हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आज मैं व्याकरण के महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये प्रश्न सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गुरुमुखी पद में समास होगा। देखिए, शायद यहां हो सकता है लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा हो तो आप इसको थोड़ा संभाल लेंगे। गुरुमुखी पद में समास होगा, कौन सा समास होगा? क्या गुरुमुखी में तत्पुरुष समास हो सकता है या बहुव्रीहि या द्वंद्व या द्विगु? तो गौर करें, गुरुमुखी शब्द में द्वंद्व तो होने का कोई चांस ही नहीं है। कारण ये कि द्वंद्व में जहां दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह आता है, तो योजक चिन्ह कभी कभी जरूरी है। ऐसा नहीं कि योजक चिन्ह हमेशा के लिए जरूरी है, योजक चिन्ह है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन मेन महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यहां दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां गौर करने वाली बात है कि यहां किसी एक पद या दोनों पद की प्रधानता की बात नहीं हो रही है। गुरुमुखी में द्विगु समास का होने का भी चांस नहीं है। द्विगु समास इसलिए चांस नहीं है क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाची नहीं है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, इस हिसाब से द्विगु समास भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर गुरुमुखी में दूसरे पद की प्रधानता हो और विग्रह करने पर वहां पर कारकों के विभक्ति चिन्ह प्राप्त हो तो ऐसा भी लक्षण नहीं दिखता है। गुरुमुखी शब्द जो है मित्रों, यह बहुव्रीहि समास होगा। कारण यह है कि क्यों बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि जब इसका हम विग्रह करेंगे तो ध्यान देंगे बहुव्रीहि जो है एक विशेष चीज के लिए प्रयोग हो रहा है। तो जहां दोनों पद प्रधान ना होकर के बल्कि दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद की तरफ इशारा करते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। और गुरुमुखी लिपि का नाम है, किसकी? पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी है, ठीक है। तो गुरुमुखी एक लिपि का नाम, एक विशेष पद की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या बहुव्रीहि समास होगा। दूसरा प्रश्न, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? दाल रोटी, दाल और रोटी, ये तो सही है भाई। दाल रोटी द्वंद्व समास है, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा है और विग्रह करेंगे तो दाल और रोटी, ये सही है। पंचानन, पांच है आनन जिसके या जिसके आनन अनिश्चय, ये भी ठीक है, बहुव्रीहि समास है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। अब यहां गौर करने वाली बात है कि पुस्तकालय में होगा या सुलोचना। सुलोचना ये सुंदर है लोचन जिसके, ठीक है, ये भी सही है, सुलोचना उसको हम कहेंगे, तो यहां ये भी सही है। अब बात आती है इसको देखिए, पुस्तकालय को, पुस्तक और आलय, ठीक है, पुस्तक और आलय नहीं होता मित्रों। यहां द्वंद्व समास की तरह से इसका विग्रह नहीं हो सकता, यहां पर होगा पुस्तक के लिए आलय, तो के लिए होना चाहिए और के स्थान पर, तब जाकर के ये सही होता। तो इस हिसाब से हम देखेंगे यहां लिखा गया कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, ये सारे सही हैं, ये सही नहीं है, तो विकल्प ये सही है, बाकी के सारे विकल्प गलत हैं, क्योंकि ये सारे सही हैं, तो विकल्प के हिसाब से ये सारे गलत हैं। और जो हमें उत्तर चाहिए, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है वो है पुस्तकालय। पुस्तक और आलय नहीं होता बल्कि पुस्तक के लिए आलय होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, वहां जाओ, यह कैसा वाक्य है? गौर करने वाली बात है, क्या यह निषेधवाचक हो सकता है? निषेधवाचक में जहां पर निगेटिव यानी नकारात्मकता का सेंस आता हो, जहां कोई कार्य का न होना पाया जाता हो, तो वहां जाओ इसमें नकारात्मकता का तो कोई बोध नहीं हो रहा है, यानी कार्य के न होने की बात तो नहीं की जा रही है, इसलिए यह गलत है। प्रश्नवाचक, क्या यहां पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है? नहीं, तो यह भी नहीं होगा। क्या यहां पर कोई अनुरोध किया जा रहा है वहां जाओ? नहीं, अनुरोध वाचक भी नहीं होगा। आज्ञावाचक, हाँ वहां जाओ में आज्ञा है, इसलिए यह वाक्य कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है, विकल्प सी सही होगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कैसा वाक्य है? हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कैसा वाक्य है? निषेधवाचक यानी जहां पर कोई नकारात्मकता हो, निगेटिविटी हो या कार्य का न होना पाया जाए, नहीं। प्रश्नवाचक, कोई प्रश्न पूछा जाए, इस वाक्य में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है।
इस वाक्य में कोई आज्ञा भी नहीं दी जा रही है तो आज्ञावाचक भी नहीं होगा, संदेहवाचक। यहां एक संदेह है कि हो सकता है, श्योरिटी नहीं है कि राम का काम हो जाए, बल्कि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राम का काम बन जाए। तो यहां एक संभावना व्यक्त की जा रही है, जहां पर संभावना या संदेह होता है ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं संदेहवाचक। इसलिए विकल्प सी सही है, तो चौथे का सी सही। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं है, कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं है। गौर करने वाली बात, घर बनने लगे हैं, घर बनने लगे हैं, जीव जल में तैर रहे हैं। ये तो सही है, ये तो बहुवचन में है कि जीव जल में तैर रहे हैं। यहां कई जीवों की बात की जा रही है जो जल में तैर रहे हैं, जल वाले जीव हैं, तो ये तो सही है। हमें क्या ढूंढना है, कौन सी ऐसी संज्ञा है जो बहुवचन में नहीं है। तो जीव बहुवचन में है, भले ही जीव एक वचन की तरह दिख रहा है, लेकिन तैर रहे हैं ये क्रिया से पता चल रहा है कि यहां कई जीवों के बारे में बात की जा रही है। घर बनने लगे हैं, यहां घर भले ही एक वचन में लिखा जा रहा है लेकिन बनने लगे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि कई घर बन रहे हैं, तो यहां भी बहुवचन का बोध हो रहा है, तो ये दोनों विकल्प तो नहीं है। तीसरा विकल्प देख रहे थे, घोंघे चल रहे हैं, ये हां भी घोंघे यानी कई घोंघों की बात की जा रही है, ये भी बहुवचन है। लेकिन अगला देखिए, कछुए की चाल देखें, यहां किसी एक कछुए के बारे में कहा जा रहा है, कई कछुए के बारे में नहीं कहा जा रहा है। तो कौन सी संज्ञा बहुवचन नहीं है, ये संज्ञा बहुवचन नहीं है, कछुआ। यहां एक कछुए के बारे में बात की जा रही है, कछुए का मतलब यहां कई कछुए के बारे में नहीं की जा रही है, क्योंकि यहां लिखा गया कछुए की चाल देखें, ठीक है, यहां एक कछुए की बात की जा रही है, इसलिए डी विकल्प सही होगा। आगे आ जाते हैं छठवें प्रश्न पर, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, कौन सा ऐसा शब्द है इन चारों विकल्पों में जो हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है, यानी एक वचन है। निर्जर, निर्जर एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, बहुवचन में भी प्रयोग होता है। ये पुस्तक, पुस्तकों हम इसको बनाते हैं, इसका रूप बदलते हैं, यानी ये बहुवचन में बदलता है। हस्ताक्षर ये भी बदलता है। अब अगर हम गौर करें सहायता, तो ये जो है ये एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो विकल्प ए जो है वो सही है। सातवां प्रश्न है, ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द है, ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ब्रह्म का विपरीतार्थक माया नहीं होता, ब्रह्म का विपरीतार्थक जगत यानी संसार नहीं होता, ब्रह्म का अज्ञान से कोई मतलब नहीं है, वो ज्ञान अज्ञान, ज्ञान का विलोम अज्ञान हो सकता है, ठीक है। ब्रह्म का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द जो है वो होता है जीव, तो विकल्प ए सही है। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ है, अक्ल का पुतला यानी, अब यहां हम शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाएंगे क्योंकि मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उसके अंदर छिपे हुए भाव को लिया जाता है। इसमें क्या भाव छिपा है, अगर हम ये देखेंगे भाई अक्ल का पुतला, तो कोई चीज अक्ल की पुतला नहीं बनाया जा सकता। अगर हम शब्द पर जाएंगे तो अक्ल का पुतला, क्या कोई पुतला ऐसा तैयार किया जा सकता है जो अक्ल का हो, तो नहीं। यानी शाब्दिक अर्थ नहीं लेंगे बल्कि इसके अंदर विशेष अर्थ क्या होगा। अक्ल का पुतला का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति, जो पुतला से मतलब है व्यक्ति से, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि हो, यानी बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर नहीं होगा, अत्यंत धूर्त नहीं हो सकता, बहुत चतुर नहीं, अत्यंत मूर्ख नहीं, बल्कि अक्ल का पुतला से मतलब है बहुत बुद्धिमान, ठीक है। नौवां प्रश्न देख लेते हैं, नाक पर सुपारी तोड़ना, ठीक है, ये मुहावरा है, नाक के ऊपर कोई सुपारी रख करके किसी का फोड़ेगा तो आदमी मर जाएगा, ठीक है, तो हम शाब्दिक अर्थ नहीं लेंगे, यह मुहावरा है, इसका भावार्थ क्या होगा। नाक पर सुपारी तोड़ने से मतलब है कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करना, यानी बहुत परेशान करना, सी विकल्प सही होगा। असंभव कार्य करना होने की चांस ही नहीं है, घृणा प्रकट करना नहीं, ठीक है। नाक पर सुपारी तोड़ना का मतलब है किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करना। द्रौपदी का चील का अर्थ है, अब जानते हैं आप कि द्रौपदी किस लिए फेमस थी। द्रौपदी की असली पॉपुलरिटी जो उस समय, या हम कह सकते हैं
पॉपुलरिटी ना कह करके कह सकते हैं कि उनका प्रसंग हम उस समय का ज्यादा याद रखते हैं जब दुशासन ने उनके साथ एक गलत कार्य किया था कि उनके वस्त्र को हरने का कार्य भरी सभा में किया था। तो चीर हरण का जो उनके साथ दुष्कर्म किया गया था वह बहुत एक तरह से कहें कि लोकप्रिय है या लोगों में वो अच्छी तरह से जाना जाता है। तो द्रौपदी का जो चीर हरण है उस सेंस में हम इसको देखेंगे। अब यहां द्रौपदी का चीर है तो यहां द्रौपदी का चीर अगर हम उस सेंस में शाब्दिक अर्थ लेंगे तो द्रौपदी के वस्त्र से मतलब नहीं है बल्कि भाव यहां यह है कि जिस तरह से दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचने की कोशिश की थी, उसे नग्न करने की कोशिश किया था और वो खींचते खींचते थक गया था, उसकी साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। तो वहां पर कई कवियों ने अतिशयोक्ति भी लिखा है कि भाई नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। ठीक है, तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ज्यादा वस्त्र हो गया था। अब यहां पर भावार्थ क्या आएगा? नारी का अपमान करना, जिस तरह से द्रौपदी का अपमान हुआ था क्या वो भाव आएगा? नहीं। शर्मनाक कार्य, वो भाव भी नहीं है द्रौपदी का चीर से, वो भाव यहां नहीं लिया जा रहा है। कभी समाप्त न होना, जिस तरह से द्रौपदी का वस्त्र कभी समाप्त ही नहीं हो रहा था, दुशासन खींचते खींचते हार गया, तो यहां वह सेंस लिया गया है द्रौपदी के चीर से, तो कभी समाप्त न होने वाला सेंस यहां पर आएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तीसरा सही है। आगे देख लेते हैं, खाट शब्द का तत्सम रूप है। खाट शब्द का तत्सम रूप होता है मित्रों खटवा। ठीक है, खटवा इसका तत्सम रूप होता है। खाटवा नहीं, खाटव नहीं, खटिया नहीं, बल्कि खटवा जो है इसका तत्सम रूप होता है। तो चलिए कुछ और प्रश्न हम देख लेते हैं और मैं समझता हूं कि आप जुड़े रहेंगे, आप हटेंगे नहीं, मैं कुछ और प्रश्नों का भी आपको अभ्यास करा देता हूं। अब मित्रों आगे के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। 11वें प्रश्न के बाद 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित यहां पूछा जा रहा है, यानी कि जिसमें उपसर्ग न हो। रहित का मतलब होता है न होना। अब देख लेते हैं, अभिलाषा शब्द पहला दिया है, यहां है अभी, अभी उपसर्ग होता है। अनुवर्तन में अनु लगा है जो कि उपसर्ग है। अनर्गल में अन लगा है जो कि उपसर्ग है। उपसर्ग यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर के शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। वंदनीय में वंदनीय शब्द ये जो है ये उपसर्ग रहित शब्द है, यानी विकल्प सी जो है वो सही है। आगे देख लेते हैं 13वां प्रश्न, दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश चुनिए। यहां शब्द दिया गया है अंडज। अंडज हम किसको कहते हैं? अंडे से उत्पन्न होने वाले को हम अंडज कहते हैं। ठीक है, अंडा बेचने वाले को अंडज नहीं कहते, अंडा खाने वाले को अंडज नहीं कहा जाता, एक बीमारी का नाम है ये भी नहीं, बल्कि अंडे से उत्पन्न होने वाले को हम अंडज कहते हैं। यानी वे सारे जीव जो अंडे से पैदा होते हैं उनको कहा जाता है अंडज। 14वां प्रश्न देखते हैं, विहंगम दृष्टि का अर्थ है। देखिए विहंगम दृष्टि का अर्थ सरसरी दृष्टि नहीं होता। सरसरी दृष्टि जब कही जाती है कि भाई आप सरसरी दृष्टि से इस पुस्तक को एक बार रिवाइज कर लो या इस पाठ को पढ़ लो, सरसरी दृष्टि का मतलब है ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो ये नहीं, विहंगम दृष्टि का अर्थ सरसरी दृष्टि नहीं होता। विहंगम दृष्टि का मतलब होता है सम्यक दृष्टि। सम्यक यानी व्यापक दृष्टि अपनाना विहंगम दृष्टि का मतलब होता है। गहरी दृष्टि नहीं होता, गहरी दृष्टि तो एक खोजपूर्ण दृष्टि को कहा जाता है। पैनी दृष्टि का मतलब है, पैनी का मतलब है, पैनी से मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी जो आप तलाश करना चाहते हो। ठीक है, तो वो दृष्टि भी नहीं हो सकती। यहां पर विहंगम दृष्टि का मतलब है सम्यक दृष्टि। 15वां प्रश्न देख लेते हैं, आय व्यय की जांच करने वाला कहलाता है। मित्रों आय व्यय की जो जांच करता है उसको कहते हैं अंकेक्षक। इसको याद करना पड़ेगा आपको, अंकेक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कल का अनेकार्थी शब्द नहीं है।
कल एक ऐसा शब्द है जो अनेकार्थी है, आपको ढूंढना है इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो कल का अनेकार्थी नहीं है। देखिए कल का मतलब बीता हुआ, कल भी होता है आने वाला भी कल होता है, ये तो अनेकार्थ इसका अर्थ है कल का मतलब चैन भी होता है, ठीक है देशज प्रयोग में करते हैं, इसका मतलब चैन भी होता है। कल का मतलब मशीन भी होता है, कहते हैं कल कारखाने लगाने हैं तो कल का मतलब मशीन भी होता है, तो कल का मतलब बीता दिन, कल का मतलब चैन, कल का मतलब मशीन, लेकिन कल का मतलब शोर नहीं होता, कल का मतलब शोर यहां लिखा है, कल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कल के ये सारे अर्थ हैं, कल के कई अर्थ होते हैं लेकिन कल का अर्थ शोर नहीं होता, इसलिए विकल्प डी जो है वो सही है। 17वां प्रश्न है, यमुना शब्द का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची, देखिए पुष्कर का मतलब सरोवर से है तो पुष्कर नहीं, पुष्कर यमुना का पर्यायवाची नहीं है। क्लेश का मतलब विवाद या झगड़ा है, यह भी नहीं। तरंगिणी नदी का पर्यायवाची के रूप में या तरंग के रूप में हम इसको तरंगिणी को प्रयोग करते हैं, सरिता तरंगिणी तटिनी सलिला ये सब हम प्रयोग करते हैं नदी के लिए, लेकिन अर्कजा देखेंगे अर्कजा यमुना का पर्यायवाची है इसलिए विकल्प सी सही है। 18वां प्रश्न देख लेते हैं, कमल शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो कमल का पर्यायवाची है। मित्रों गौर करिए, छोड़ करके मत जाइए वीडियो। देखिए अंबु का मतलब होता है पानी, और इसमें हम अगर ज लगा दें तो शब्द बन जाएगा अंबुज, यानी पानी में उत्पन्न होने वाली चीज को हम कमल कहते हैं तो अंबुज हो गया, अंबु का मतलब होता है पानी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, रसाल, रसाल प्रयोग करते हैं आम के लिए, आम का पर्यायवाची आम यानी मैंगो, मैंगो का पर्यायवाची रसाल होता है, ठीक है। सोमरस, ये शराब यानी दारू को सोमरस कहा जाता है, ठीक है सोमरस भी नहीं है। कमल का पर्यायवाची क्या है, ताम्रस, तो विकल्प ए सही है। कमल का पर्यायवाची कई होता है, कमल का पर्यायवाची, मेरा नाम कमल का पर्यायवाची है पंकज, नीरज, अंबुज, तोयज, जलज, राजीव, अरविंद, ये सब जो है कमल का पर्यायवाची है, या सबका मतलब कमल होता है, पंकज का मतलब भी कमल होता है, नीरज का मतलब भी कमल, तो अंबुज का मतलब तोयज, सरोज, जलज, राजीव, अरविंद, सरसिज, ये सब, और ताम्रस, ये सब जो है कमल के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टूट चाप नहीं जुड़े निशाने, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। देखिए अब तक आपने मुहावरे देखा, मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, और मुहावरे शब्द अर्थ नहीं प्रस्तुत करते हैं बल्कि मुहावरे भावार्थ या कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं किया जाता। लोकोक्ति का प्रयोग, लोकोक्तियां क्या होती हैं, लोक, लोक मतलब होता है लोगों द्वारा, लोक मतलब पब्लिक, उक्ति मतलब कथन, लोगों द्वारा कहा गया जो कथन है उसे ही हम लोकोक्ति कहते हैं, यानी कहावत, आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहेंगे, कहावत, ठीक है। तो ये क्या है, लोगों द्वारा कही गई उक्तियां हैं जो बात को और अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, बात में और थोड़ा आनंद आने के लिए, या बोलचाल की भाषा में बात का स्तर थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम लोग उक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों द्वारा कही गई उक्तियां होती हैं जो अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती हैं, ठीक है। टूट चाप नहीं जुड़े निशाने, अब देखिए इस लोकोक्ति के आने का तात्पर्य है कि ये संदर्भ हम रामायण से ले सकते हैं कि जब परशुराम जी शिव के धनुष के टूट जाने पर अपना क्रोध दिखाते हैं जनक जी के दरबार में, तो टूट चाप, ठीक है, टूट जाने पर जो चाप है धनुष, नहीं जुड़े रिसाने, नहीं मतलब नहीं, जुड़े मतलब जुड़ती है, रिसाने मतलब गुस्सा करने से, गुस्सा करने से टूटी हुई धनुष नहीं जुड़ जाती है। अब अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे तो यह अर्थ निकलेगा, लेकिन यहां शाब्दिक अर्थ ना लेकर के विशेष अर्थ क्या निकलेगा, टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, यह तो शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक, शब्द का अर्थ, चिंता छोड़ो सुख से जियो, फालतू बातें सी,
नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए या नुकसान हो जाने पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यहां शब्द आया है रिसानी, ठीक है, ये देशा शब्द है, गांव देहात या भोजपुरी के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई काहे के लिए रिसिया गए, ठीक है, रिसिया जाने का मतलब है गुस्सा होना, तो यहां पर परेशान होना नहीं होता, इसलिए ये गलत है। नुकसान हो जाने पर यानी टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, कोई चीज जब नुकसान हो जाती है तो उस पर क्रोध करना व्यर्थ होता है, यानी हम गुस्सा दिखाएंगे तो वो चीज फिर से प्राप्त नहीं होगी। ये विकल्प सही है, डी विकल्प। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज की श्रृंखला का, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए, सही सेंटेंस कौन सा है वो छांटना है। मेरे को पुस्तक दो, ये मुंबई या हिंदी, मुंबई में जो हिंदी बोली जाती है वो मेरे को तेरे को, ठीक है। तो यहां पर जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया वो गलत है। कौन पत्र लिखा है, कौन पत्र लिखा है ये नहीं, यहां जो सर्वनाम लगा है कौन शब्द वो गलत लगा, यहां होना चाहिए किसने पत्र लिखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहां पर जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया वो गलत है, तो ये वाक्य भी गलत है। और लिखा गया उपर्युक्त सभी, सभी तो नहीं गलत है भाई, ये देख लेते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। गुफा में बहुत अंधेरा है, ठीक है, ये वाक्य टकाटक है यानी सही है, ठीक है, उपर्युक्त सभी के गलत, तो सी विकल्प सही है। तो मित्रों मैं समझता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हाँ, वीडियो के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देना मैं भूल गया, कल से आपको सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि महत्वपूर्ण विषय, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो इतिहास यानी हिस्ट्री से रिलेटेड हो या भूगोल से, इनसे संबंधित विषयों, महत्वपूर्ण विषयों की वीडियो बना करके मैं चैनल पर अपलोड करूंगा, और मुझे आशा है कि आप उसे पसंद करेंगे। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा ताकि आपको अच्छा ज्ञान उन वीडियो से प्राप्त हो। आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, इसलिए आप इसको शेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वहां घंटी का निशान है उसको दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे।